सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम परमल का अचार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये लिया हमने परमल। परमल को हमने धो के साफ कर लिया है, तो अब हम इनको काटते हैं। देखिए ऐसे करके काट लेंगे और इनको ऐसे करके अंदर से खाली कर लेंगे। वो मटेरियल है इसे वापस यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं। देखिए ऐसे साफ कर लेंगे, ऐसे ही हम और कर लेंगे। देखिए और इसे साफ करने के बाद में 2 घंटे तक हम इसको धूप दिखाएंगे। ये देखिए सारा ऐसे ही करके निकाल लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, सारा ऐसे ही कर लेंगे हम सारा। तो फ्रेंड अचार के लिए हमने ये मसाला, जीरा, सौंफ, अजवाइन, सरसों, लहसुन, मेथी, इन सबको हमने अच्छे से धूप दिखा लिए, तो इसे भूनने की आवश्यकता नहीं है। और इसको अब हम पीसते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसे हमने पीस लिया है और ये लहसुन हमारा, इसे मिला लेंगे। और इसे हम इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी, नमक, ये नमक, और ये डाला हमने सरसों का तेल गरम किया हुआ, ये ठंडा हो चुका है। और अब इसको हम मिला लेते हैं। इसे खट्टे होने के लिए हमने आमचूर पाउडर डाला है, जिससे कि हमारा परमल अच्छे से खट्टा हो जाए। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। ये परमल हमने 2 घंटे तक धूप में रखा है, तो अब हम इसको भरते हैं। देखिए ऐसे करके भर लेंगे। ये अच्छे से ऐसे करके और यूं रखते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे भर लेंगे ऐसे करके। ये फ्रेंड अचार हमारा परमल का तैयार है। और इस अचार को आप कम से कम 1 हफ्ता तक धूप में रखें और कांच के ही बर्तन में रखें। तो फ्रेंड अगर हमारा परमल का अचार आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।